दोस्तों वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरा बर्थडे व्लॉग। तो आज हम चल रहे हैं अपने ऑफिस में बनाएंगे सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, और मैंने अपना लगेज भी पैक कर लिया बिकॉज रात को हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। अभी लंच कर चुके हैं टीम के साथ। अब देखो ऑफिस के अंदर तो यार रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो हमने सो थोड़ा प्रीमाइस के अंदर ही थोड़ा सा ब्लॉग कर लेते हैं, आपको मिलाते हैं अपने टीम मेंबर्स से। तो ये आ चुके हैं, ये हंस रहे पीछे से, भूतनियों वाली हंसी आ रही है। इधर आओ, इधर आओ गाइस, इधर आओ, ऑडियंस देखने चाहती है तुम्हें। अभिषेक बस क्या सीन है आज को, क्या प्लान है आज को? पार्टी करनी है आज? दो पार्टी दो महीने काम करे इस लड़की ने, वही छोड़ के जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा खुश है अपने काम से। और यहाँ पे एक लड़का ये बाय आउट की बातें करता है, इसे देख लो, ये जहाँ भी आएगा बाय आउट की बात करेगा, और बाय आउट इसे करने 6 महीने के बाद, और नोटिस पीरियड 3 महीने का लग जाएगा। ये बोलते 5 महीने मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज 1 महीने का नोटिस सब नहीं करना। कौन सा केक मंगवा रहे हो? ब्लूबेरी चीज केक। अब ये हमारे पैसे लेके बैठी है, फंड मैनेजर है, ट्रेजरर है, तो केक भी मंगवाया काटे के। वो यहाँ पे चल रही है फोटोग्राफी, रील्स बनाई जा रही है, सेल्फी ले रही है, ज्यादा ले रही है, आज आखिरी दिन है इसका यहाँ पे। कैच, काम तो होता नहीं, फन भी नहीं हो रहा है इनसे, बेकार। ये उसके पास करो। अभी हम जा रहे हैं पार्टी शार्टी करने, बट सर हमारे आज बिजी है काफी, इनको जाने किसी अर्जेंट काम से। I'll join next time. अभी हम जा रहे हैं हाइट, ब्रिंग योर ओन बूज। ये बच्चे हमारे कुछ पीना चाहते हैं, इनको अमृत पीना है इन्हें, हम तो भैया कुछ पीते ही नहीं है, सुधरे बच्चे हम देखेंगे इन्हें, खाली स्नैक्स खाएंगे बस, दैट्स इट। इसके बाद हम निकल जाएंगे ऋषिकेश, दिखाते हैं पार्टी वार्टी का माहौल, बाकी अपने ज्वाइन करेंगे टीम वाले थोड़ी देर में। तो चलते हैं, खेलेंगे बास्केटबॉल कुछ देर के लिए, 2-3 शॉट मारेंगे उसके बाद जाइए। आ जाओ बास्केटबॉल थोड़ा सा। Taste sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? अभी सुबह के बज रहे हैं 5, अभी हम आ चुके हैं घाट पे, हर की पौड़ी के पास है, घाट पे आए हैं, तो स्वामी सर्वानंद घाट। ये पानी बहुत साफ होता है, लेकिन शायद भाई अभी ये बारिशों का मौसम है इसलिए गंदा हो रहा है पानी, तो अभी इसमें जाके फायदा नहीं है कुछ, तो लेट्स सी क्या सीन बनता है। कुछ गाना सुनाया जाए अच्छा सा, ट्रेंडिंग गाना, मेरे बचपन का प्यार। तो अभी मैं करने आ रखा हूँ रिवर राफ्टिंग, पूरा बहुत सेट है, बहुत अच्छी वेव्स चल रही है, तो 5 रैपिड है अपने, रैपिड मतलब वेव्स आने वाली है, तो चलते हैं। बैक टू बैक गाड़ियाँ आ रही है, तो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं पानी का फ्लो, बहुत ही बेहतरीन फ्लो हो रहा है पानी पे। तो ये पूरा माहौल है रिवर राफ्टिंग का, हो चुकी है लाइफ जैकेट पहना दी गई है, चलते हैं भैया। दोस्तों बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा है हमारा रिवर राफ्टिंग का, और जो रैपिड बीच में आते हैं जो कि एकदम से वेव्स वगैरह आती है, उसका अलग ही मज़ा था, तो पैसा वसूल, बहुत ही मज़ा आया। पहले थोड़ा मूव कर रहा था, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठंड का मौसम चल रहा है, पानी में बह जाएंगे, बट
बहुत मजा आया, वर्थ इट। चल रहे अपने हॉस्टल ईयर की तरफ, जो हमने बुक करा हुआ था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा यार, बहुत सही जगह है, फन एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। प्लान था त्रिवेणी घाट जाने का आरती देखने के लिए, बट आरती खत्म हो चुकी है, तो अभी हम चल रहे हैं राम झूला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल नहीं पा रहे तो अभी वॉक करके जा रहे हैं, 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, पूरे नज़ारे दिखाते ऋषिकेश के आपको। Oh, we are going to Ram Jhula. So, ये stairs से यहाँ से चल रहे हैं हम Ram Jhula के लिए। Look at this amazing view. एक नंबर हवा चल रही है, बहुत सेट मौसम है और पूल हिल रहा है, तो अलग ही फील आ रही है, मजा आ रहा है, और ये lights वाइट्स बहुत सेक्सी लग रही है यार। अभी हम आ चुके हैं घाट पे, तो अभी क्या सीन है, फोटो शोटो यहाँ पे भी खिंचवानी है क्या? इस लड़की ने इतनी गंदी गंदी फोटो खींची आज, ब्लर ब्लर फोटो, एक फोटो सही नहीं आई है, कोई बीच में आ रहा है, कभी फोन हिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एक फोटो नहीं आई है, और इसकी मैंने कम से कम 20-30 फोटो अच्छी अच्छी खींची है सारी की सारी। ऐसे आपकी भी दोस्त है क्या, ऐसे अपनी अच्छी फोटो खिंचवा के आपकी खराब फोटो खींचते हैं, और ये लड़की बस फोटो खिंचाने में लगी है अपनी। बढ़िया अमेजिंग व्यू, कितना सही यार, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। अग्नि जलाई जाए, ये कौन सा मसाला डाल रहा है भाई? ये देसी मसाला है। देसी मसाला भाई, ऐसी बातें मत कर, उल्टी सीधी देसी मसाला। वीडियो नहीं है, व्लॉग है भाई, यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब देखता नहीं, बनाता है वो। क्या बात है, स्पेस गई फोन की। हाँ एबीसीडी सुना पूरी, चल। राम झूला से हम आ चुके हैं, तो अभी हम अपने हॉस्टल एयर पे, और अभी चल रहा आर्चरी कॉम्पिटिशन हमारे बीच में, 5 बार अटेम्प्ट मिलेगी और देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है। दिस इज ग्राउंड फ्लोर, ऊपर चल रहा है, टॉप फ्लोर पे लाइव म्यूजिक, आप पे चलते वो भी दिखाएगी आपको लाइव म्यूजिक भी। दोस्तों मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करा था, हमने जानबूझ के डॉर्म लिया था ताकि हम सारे एक रूम में रह पाए। सो आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से कैसे कैसे कहाँ पे बेड है और कैसे कैसे सोए। ये देखो यहाँ पे मैं सोया हुआ था, ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ईजी लगता है, और यहाँ पे दो बेड, यहाँ पे दो बेड, यहाँ पे, तो बेसिकली हम 5 लोग थे लेकिन हमने 6 बेड ले लिए, बिकॉज कोई और स्ट्रेंजर रूम में ना आ जाए, इस वजह से हमने 6 बेड ले लिए, तो ये था रीज़न। और देख सकते हो छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, और इस रूम के आई थिंक हमें 6,500 रुपये का पड़ा है ये रूम। इसमें तो अच्छा होटल आ जाता है, बट स्टिल एक एक्सपीरियंस वाली बात है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे हॉस्टल लाइफ का एक। सो दैट्स इट, ये वॉशरूम अभी ऑक्यूपाइड है, आपको दिखाते हैं बाकी। दिस इज़ द वे, यहाँ पे पूरी वॉल पेंटिंग्स करी हुई है पूरे हर जगह। अरे क्या बात है, अभी हम आ रखे हैं नीर वाटरफॉल पे, फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, तो ये लास्ट शॉट होने वाला है, उसके बाद पैकअप कर देंगे, थोड़ा आपको दिखाते हैं यहाँ का सिनेमैटिक व्यू। तो ये है अभी नीर वाटरफॉल, काफी क्राउडेड है, संडे का डे आज।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ. बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा.